शांति। मुरली चल रही थी हाजीपुर में 25/1/67 की प्रातः क्लास। पहले पेज की मध्यांति में बात चल रही थी, बाप खुद ही आकर के कहते हैं। कौन कहते हैं? बाप कहते हैं, माँ नहीं। कौन कहते हैं? बाप खुद आकर के कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारी विकल्प विनाश हो जाने। गारंटी है कि मुझे याद करो। गीता में ये लगा हुआ है, परंतु गीता का एक मिसाल निकालेंगे तो वो दस निकालेंगे, इसलिए तुमको दरकार नहीं है। क्योंकि जो शास्त्रार्थ पड़े हुए हैं वो समझेंगे, हम लड़ सकेंगे। तुम तो उन शास्त्रों आदि को जानते नहीं हो, उतना नहीं जानते हो। उनको तो कभी नाम भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो सब शास्त्र लिखे हुए हैं मनुष्यों के। जो भी कागज में लिखे हुए शास्त्र हैं वो सब मनुष्यों के लिखे हुए हैं। भगवान तो आकर के डायरेक्ट मुख से बोलता है। जो भी धर्मपिताएं आते हैं वो सब आकर के डायरेक्ट मुख से बोलते हैं। वही सच्चा शास्त्र है। मनुष्यों के द्वारा जो बोला जाता है वो मानवीय शास्त्र है। भगवान आकर के जो खुद बोलते हैं वो भगवान वाक्य कहा जाता है, श्रीमद् भगवत गीता। गीता अर्थात ज्ञान का गीत। तो तुम सिर्फ बोलो कि हमको तो भगवान कहते हैं, हमको कोई मनुष्य गुरु नहीं सिखाता है। कहते हैं मुझे अपने बाप को याद करो, तो बाप को ही पति से पावन कहा जाता है। कोई माता का रूप नहीं है जो पति से पावन कही जाती हो। न रूप है और न नाम है। जैसे शास्त्रों में नाम दे देते हैं, ब्रह्मा, ब्रह्मा ने बड़ी माँ, माने माँ बड़ी माँ, जगदम्बा भी उनका नाम दिया हुआ है, जगत की माँ। तो वो कोई पति तो पावन नहीं है। पति तो पावन तो मैं बाप हूँ। मैं निराकार राम, मेरा नाम ज्योतिबिंदु शिव है। ये शिव नाम कभी बदलता नहीं। जब शरीर बदलते हैं तो नाम बदल जाता है। कृष्ण के अंतिम चोले में प्रवेश करते हैं तो नाम ब्रह्मा पड़ जाता है। राम के अंतिम चोले में प्रवेश करते हैं तो नाम शंकर पड़ जाता है। तो जब चोला बदलता हूँ तो मेरा नाम बदलता है। इसलिए सिर्फ बोलो कि हमको तो भगवान पढ़ाते हैं, गाते भी हैं पतित पावन सीताराम। क्या पतितों को पावन बनाने वाले सीता और राम? सीता नाम पहले क्यों लगा दिया? राम से भी पहले सीता का नाम लगा दिया, कृष्ण से भी पहले राधा का नाम लगा दिया, नारायण से भी पहले लक्ष्मी का नाम लगा देते। लक्ष्मी, नारायण, सीता, राम, राधा, कृष्ण, ऐसे क्यों कह देते? उनमें भी पति तो पावन सिर्फ सीताराम को कहते, राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण को नहीं कहते। पति तो पावन का जहाँ सवाल आएगा तो राम का नाम आएगा। मना राम के ही आखिरी चोले में प्रवेश करके वो राम राम बाप बनकर के प्रत्यक्ष होता है। सारी मनुष्य शक्ति का बाप है। सन्यासी लोग जहाँ तहाँ धुनी लगाए रहते हैं,
वो भी अपनी मत सुनाते हैं। ऐसे मत मतांतर तो बहुत हो गए। तो ये गीत कितना सुंदर है जो मुरली में शुरुआत में गीत आता है, जाग सजनिया जाग नव युवा, नया युग आ गया, अब अज्ञान की नींद में सोने का टाइम नहीं है। राम प्रेम अनुसार कल्प कल्प ऐसे ही गीत बनते रहेंगे। जो गीत तुम बच्चों के ऊपर है, इस संगम युग के ऊपर लागू होते रहेंगे। 25 जनवरी 1967 की वाणी का दूसरा पीढ़ी, जैसे कि तुम बच्चों के लिए बैठ करके ये गीत बनाए हुए हैं, ऐसे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं, जैसे नैन हीन को राह दिखाओ। तो सारी दुनिया नैन हीन हो गई, आंखों की जैसे अंधी हो गई, अज्ञान की अंधी हो गई। कोई की बुद्धि में परमात्मा बाप का सच्चा ज्ञान नहीं है, शक्ति का भी ज्ञान नहीं है, अपनी आत्मा का भी ज्ञान नहीं। आत्मा तो पार्टधारी है, ये शरीर रूपी चोला लेकर के पार्ट बजाती है, लेकिन इस आत्मा ने कितने चोले कितने जन्म में धारण करके पार्ट बजाए वो पता ही नहीं। तो अज्ञान अंधकार में हुई ना, तो गीत भी बनाए हुए हैं, मैं नहीं न पूरा दिखाओ, ये गीत भी अच्छा है। अब प्रभु कोई कृष्ण को नहीं कहा जाता है, प्रभु भगवान को कहा जाता है। राम और कृष्ण तो देवताएं थे, कैसे प्रभु या ईश्वर निराकार कोई कहेंगे। यहां तुम तो कहते हो शिव बाबा, परम पिता परमात्मा मन परमात्मा, परम पिता है, पिताओं में सबसे बड़ा पिता है। सृष्टि पर जो भी मनुष्य आत्माएं पिता बनती हैं, उन सब मनुष्य आत्माओं के बीच में महान से महान पार्ट पिता का बजाने वाले धर्म पिताएं कही जाती हैं। वो धर्म पिताएं परम पिता नहीं कही जा सकती। क्यों? क्योंकि उन धर्म पिताओं का भी कोई पिता है। धर्म पिताएं अपने एक सीमा में बने हुए धर्म को स्थापन करने के लिए आते हैं, उनके अपने अपने धर्म खंड हैं। जैसे क्राइस्ट का धर्म खंड यूरोप है, अमेरिका है, मोहम्मद के धर्म खंड ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इब्राहिम का भी अपना धर्म खंड है, अरब देश। तो वो सीमा में बंधे हुए, लेकिन इन धर्म पिताओं का भी बाप, बापों का भी बाप मैं हूं। मतलब शिव सब धर्म पिताओं का भी पिता है, सारे मनुष्य शक्ति का भी जो पिता है, जिसे प्रजापिता आदम या एलिव एडम कहते हैं, उसका भी वो पिता है। तो उसको कहते हैं परम पिता। फिर साथ में कहते हैं परम पिता परमात्मा। तो परम पिता पहले परमात्मा बाद में, ऐसे नहीं कहते परमात्मा परम पिता। क्यों नहीं कहते? क्योंकि बड़े का नाम पहले और छोटे का नाम बाद में। जैसे कहते हैं शिव शंकर, तो शिव जन्म मरण के चक्र में न आने वाले परम पिता को कहा जाता है, और शंकर बड़े से बड़े देवता का नाम, शंकर शिव नहीं कहेंगे। क्योंकि परमात्मा बाप शिव जब आते हैं तो मनुष्य को देवता बनाते हैं। देवताओं में जो बड़े से बड़ा पार्टधारी देवता है उसका नाम शंकर दिया जाता है। कहते भी हैं देव देव महादेव,
तो ऐसे ही परम पिता परमात्मा, परम पिता शिव ज्योति बिंदु का नाम, उनका टाइटल है परम पिता। वो शक्ति पर आकर के सारी आत्मा मात्र का पिता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ मनुष्य आत्माओं का पिता है। जो भी कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जो भी है सबका पिता है, उसका पिता कोई नहीं। तो बताया कि परम पिता परमात्मा माने परमात्मा, ऐसी आत्मा जो आत्माओं के बीच में परम पाठधारी, किसके बीच में? आत्माओं के बीच में, आत्माओं के बीच में पार्ट बजाने वालों के बीच में जो परम पार्टधारी हीरो पार्टधारी है वो है परमात्मा। शिव का टाइटल नहीं है ये, शिव को कहेंगे परम पिता। वो शिव ज्योति बिंदु जब परम पार्टधारी में प्रवेश करता है, हीरो पार्टधारी में, राम बाप कहो प्रजापिता कहो शंकर कहो, उसमें प्रवेश करता है तब परमात्मा कहा जाता है। कैसे है परम पिता परमात्मा? है तो वो भी आत्मा ही ना, ये अर्थ भी तुम्हारे बिना और कोई जानता नहीं है। ऐसे ही कैसे रहते हैं परम पिता परमात्मा? भक्ति मार्ग में बहुत टू मच में चले गए, ये बिल्कुल सिंपल बात है, अलग और भी बस अलग। उर्दू में पहला अक्षर होता है अलग, खड़ा हुआ डंडा, और दूसरा अक्षर होता है पड़ा हुआ डंडा, खड़ा अलग पड़ा हुआ बे। 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनमें अलग और बे ये हैं, जिनका नाम पड़ता है परम पिता परमात्मा या शिव शंकर। कहा जाता है अलग, अलग माने खड़ा हुआ। जब से शक्ति पर आता है और अंत तक जब तक शक्ति को परिवर्तन करता है तब तक वो खड़ा रहता है, पुरुषार्थ में गिरता नहीं है, पड़ नहीं जाता है। जैसे ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, शरीर छोड़ दिया, हाथ फेल हुआ, गिर गया, सूक्ष्म शरीर के बंधन में बंध गया, लेकिन वो सेवा जिस मुकर्रर रथ में आता है वो कब नहीं गिरता? गिरने का तो सवाल ही नहीं, खुद तो हो सकता है, वो भी बच्चों के कल्याण के लिए, क्योंकि माला बनानी है तो अलग कहेंगे आज से अंत तक खड़ा हुआ, और बे कहेंगे जो भी मनुष्य मात्र आत्माएं हैं वो सब पुरुषार्थ में गिरती पड़ती पाठ बजाती। आज निश्चय बुद्धि कल निश्चय बुद्धि हो जाती, आज श्रेष्ठ पाठ बजाती है कल नीचे पाठ गिर जाता है, क्योंकि सब ब्रह्मा की औलाद है। ब्रह्मा की रात कही जाती है, ब्रह्मा का दिन कहा जाता है, प्रजापिता का दिन और रात नहीं कही जाती। मतलब जिस प्रजापिता में सुप्रीम सोल मुकर्रर रथ बना करके प्रवेश करता है वो कभी गिरने वाली बात नहीं है, सदैव अटल अखंड डोल है, जिसकी यादगार ध्रुव तारा दिखाया जाता है। ध्रुव माना एक ही जगह पर स्थिर रहने वाले, और जो भी सितारे हैं जरा सितारों की बात नहीं है, आसमान के सितारों की बात नहीं है, तुम बच्चे ही हो धरती के सितारे। तो ये सितारे जो है जैसे आसमान के सितारे ध्रुव तारे के आसपास घूमते रहते हैं, ऐसे ही तुम बच्चे 500 करोड़ जो भी सितारे हो आत्मा रूपी वो ध्रुव तारा के आसपास घूमते रहते हैं। कोई छोटा चक्कर काटते हैं, कोई बड़ा चक्कर काटते हैं, कैसे भी है चारों तरफ लगाए तेरे फिर भी हरदम दूर रहे,
त्रिसदनों में कितने चक्कर लगाए। अभी भी संगमयुग में कलयुग के अंत और सत्ययुग के आदि में जब परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आता है तो कितने निश्चय निश्चय के फेरे लगते हैं। आज निश्चय पैदा होता है, कल अनिश्चय हो जाते हैं। बाप कहते हैं जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो जैसे जीते हैं, और जो अनिश्चय बुद्धि हो जाते वो जैसे समझ जाते। तो ये जन्म मरण का चक्र यहाँ भी चलता है और फिर 84 जन्मों में भी चलता है। तो यहाँ तो बाप बिल्कुल सिंपल बातें बताते हैं, हलफ और बेर बस, हलफ अल्लाह और बेर बादशाही। बादशाही किसी की हमेशा नहीं चलती है, कैसे भी है कि अच्छे कर्म करते हैं तो बादशाह बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। और राजा बन के जब अहंकार करता है तो नीचे गिर जाते हैं, राजा भी बनते हैं फिर नीचे भी गिरते हैं, क्योंकि राजाओं से अहंकार में आकर के पाप कर्म बहुत हो जाते हैं। जब पाप कर्म ज्यादा होते हैं तो नीचे गिरते हैं। एक ऐसा है जो कभी गिरता नहीं है, ऊपर से नीचे तो आता है लेकिन नीचे आने के बावजूद भी किसके नीचे रहती है। तो सिंपल बातें हैं, बाप को याद करो, ऐसे बाप को याद करो जो कभी नीचे नहीं गिरता है, पड़ता नहीं है, बादशाह भी नहीं बनता है। तुम बच्चों को बादशाह बनाता है। इसलिए देवताओं के बीच में एक ही देवता ऐसा है जिसे बैगन के रूप में दिखाया जाता है, बैगन के रूप में वेश है, लेकिन जो भी भक्त आते हैं उसके सामने आकर कहते हैं भरदे झोली भरदे झोली, माने ज्ञान रत्नों की झोली भरने के लिए उसके पास आते हैं। तो ऐसे बाप को याद करो जो बेताज बादशाह। तुम बच्चे तो ताजधारी बादशाह बनते, आज ताज पहनते हो कल उतर जाता, ताज स्थूल भी होता है और ताज बेहद का भी होता है। भगवान बाप जब आते हैं तो बच्चों को आकर के जिम्मेदारी का ताज देते हैं। जो भगवान के बच्चे बनते हैं उनको जिम्मेदारी मिलती है कि हम पंच दुनिया बनाएंगे। पतितों को पावन बनाने में बाप का पूरा सहयोग देंगे, पूरी सेवा करेंगे। तो इस सेवा की मेवा जो बच्चे खाते हैं वो बच्चे बड़े से बादशाह बनते हैं। ये बादशाही की पढ़ाई, राजाई की पढ़ाई और कोई मनुष्य मात्र ने आज तक नहीं सिखाई। दुनिया की हिस्ट्री में बड़े बड़े राजाएं हुए, छोटे छोटे राजाएं हुए, उन राजाओं को राजा किसने बनाया, कब बनाया, ये पढ़ाई कब पढ़ाई, कोई जवाब नहीं दे सकता। भगवान बाप आकर के बताते हैं कि कलयुग के अंत में और सतयुग के आज में जो संगम का टाइम है वो ज्यादा से ज्यादा 100 साल के टाइम में मैं आकर के बच्चों को राजाई का वर्षा देता हूं। ये राजाई का वर्षा कोई पढ़ाई कोई कॉलेज में कोई स्कूल में नहीं दिया जाता, ये पढ़ाई पढ़ाता ही नहीं कोई। बाप ने आकर की पढ़ाई पढ़ाई, संगमयुग में आकर की पढ़ाई, 5000 साल पहले भी पढ़ाई पढ़ाई थी, अभी फिर आकर के पढ़ाई रहती। ऐसी श्रेष्ठ पढ़ाई जिसको हम नाम दें द्वादली पढ़ाई। मनुष्य जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उससे दुनिया कुत्तों मिसल बंदरों मिसल बनती चली जाती। ऐसे बंदरों की सेना लेकर के फिर मैं रावण के ऊपर तुम बच्चों को विजय सेना देते खत्म, क्योंकि लड़ाई के बगैर राजा ही मिलती नहीं है। वो लड़ाई तो स्थूल लड़ाई लड़ते, खून खराबे की लड़ाई लड़ते,
मैं ऐसी लड़ाई लड़ाना नहीं सिखाता, मैं तो तुमको बताता हूँ, तुम अपने विकार के ऊपर भी देता हूँ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनके ऊपर भी देता नहीं, कोई स्थूल अर्थशास्त्र नहीं है, हमारी कोई स्थूल लड़ाई नहीं है, हमारी अंदर की लड़ाई। जो पांच विकारों पर जीत पहनेंगे, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, वो उतने बड़े राजा बनेंगे। इसमें कोई को दुख देने की भी बात नहीं है, तुम स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे, परंतु लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक संपूर्ण निर्विकारी तो थे ना, सब देवताओं की ग्लानी करेंगे। ऐसा कोई 33 करोड़ देवताओं में से नहीं है जिसकी ग्लानी न करते हो, एक देवता ऐसा है जिसकी कोई ग्लानी नहीं, नारायण की कोई ग्लानी नहीं। अरे ग्लानी का कोई काम किया होगा नारायण बनने के बाद तो ग्लानी होगी, काम ही नहीं किया तो ग्लानी कैसे होगी। काम के आधार पर नाम पड़ता है, काम क्या है, नारायण, नार माना ज्ञान जल, आयन माना घर, वो ऐसे ज्ञान जल के घर में रहता है जहां अज्ञान का नाम निशान नहीं होता। परंतु ये लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक संपूर्ण निर्विकारी थे तो बाप को याद करने से ही तो बनेगा, तुम भी ऐसे संपूर्ण बनेंगे। अब जितना जो याद करेंगे उतना बनेंगे, किसको याद करेंगे, ऐसे को याद करेंगे जो सदैव ऊंच के ऊंचे है, ऊंच के ऊंचे पाठधारी है। कहते हैं ना, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा, ऊंच के ऊंच उसको कहा जाता है जो ऊंचे कर्म करता है, कर्म नीचे हो तो ऊंचा नहीं कहा जाएगा। ऊंच का मतलब ये नहीं है कोई ऊपर बैठा हुआ है, ये भक्ति मार्ग में अमरनाथ में बैठा हुआ दिखाई दिया है, कैलाश पर्वत पर बैठा हुआ नहीं, ऊंची स्टेज में है। इस दुनिया में बल कितने भी हालात खराब होते रहे वो ऊंची स्टेज में है, उसको देख करके दूसरे पुरुषार्थी बच्चे भी ऊंची स्टेज बनाते हैं, देखने मात्र से ही अंदर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। तो सारा मदार याद पर है, ऊंच से ऊंच को याद करेंगे तो ऊंच से ऊंच राजा बनेंगे, ऊंच से ऊंच राजा का नाम बताई दिया, क्या बताया, नारायण। अब फिर नंबर लाएंगे तो ये सब बातें समझ में आती है। स्कूल में स्टूडेंट समझते नहीं है क्या कि हम कम पढ़ते हैं और ये दूसरे हमसे ज्यादा पढ़ते हैं और ये फोन फेल होने वाले हैं, जो नहीं पढ़ते हैं तो फेल हो जाएंगे, जो पूरा अटेंशन नहीं देते हैं तो पिछाड़ी में बैठे रहते हैं, जो पूरा अटेंशन देते हैं वो टीचर के आगे आकर के बैठते हैं, नजदीक आकर के बैठते हैं। भक्ति मार्ग ने भी नाम दे दिया है गुरुओं ने, उपासक गुरु भक्ति मार्ग के, वो तो मंत्र जाप करते हैं, शिव हम ही शिव भगवान है तो वो पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिनको पढ़ाई पढ़ाते हैं मनुष्यों को वो उनके नजदीक जाके बैठते हैं, उनको कहते हैं उपासक। उप माने नजदीक, आसक माने बैठने वाले, मन नजदीक आकर के जो जितना गुरु जी के बैठेगा गुरु जी की आंखों में वही करेगा। अब वास्तव में ये भक्ति मार्ग में जो भी बातें चल रही है वो फालू कहां से की है, इस संगम युग में जब भगवान आते हैं वो भी कहते हैं कि मैं जिस तन में मुकर्रर रथ में आया हुआ हूँ, वो पुरुषार्थी जीवन को जो जितना नजदीक पहुंचेगा पुरुषार्थ में वो उतना ही ऊंच पद पाएगा, सब एक जैसे तो हो नहीं सकते। तो बाबा समझते हैं ऐसे ऐसे गीत बच्चों को घर में रखने चाहिए
और से गीत बताए मैं इनको राह दिखाऊं। इनको सुनने से भी बहुत रिफ्रेशमेंट आ जाएगी, किसी को इन पर समझा भी सकेंगे कैसे माया का फिर से परछाया पड़ जाता है। 700 आदि में तो ये बातें है नहीं कि कल्प की आयु 5000 वर्ष है, सिर्फ लिख दिया है कि 5000 वर्ष पहले महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध हुआ था कौरव पांडवों यादवों के बीच में, लेकिन फिर वो उसको द्वापर युग में ले गई। अब द्वापर युग में थोड़े ही मैं आता हूँ, द्वापर के अंत में अगर कृष्ण भगवान का रूप धारण करके आ जाऊं तो क्या भगवान आकर के कलयुग की स्थापना करता है? कलयुग तो पापी युग है। अरे भगवान आए और पापी युग की स्थापना करके जाए तो फायदा क्या हुआ? भगवान के आने का तो फायदा ये होना चाहिए कि सारी दुनिया पलट जाए, पापी कलयुग को बदल करके पुण्य आत्माओं देवताओं की दुनिया सत्य को बन जाए। ये काम कोई मनुष्य मात्र नहीं कर सकता। दुनिया में जितने भी धर्म पिताएं आए, महात्माएं आए, बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य आए, दुनिया नीचे ही गिरती चलेगी। दुनिया ऊपर नहीं उठी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दुनिया में बढ़ती चले जाते हैं, लड़ाई मारामारी बढ़ती चली जाती है। तो इससे साबित होता है कि नरक को स्वर्ग बनाने वाला कोई मनुष्य मात्र नहीं, ये तो भगवान का काम है कि जब इस सृष्टि पर आता है तो ऐसे मनुष्य जिन्हें नर कहा जाता है, नर ऐसी करनी करे तो नर से नारायण जैसा बने। कैसी करनी? जो करनी भगवान आकर के सिखाता है, कर्म की गुह्य गति भगवान आकर के सिखाता है कि ऐसे ऐसे कर्म करेंगे तो ऐसे देवता बनेंगे, और अगर इसके विपरीत कर्म करेंगे तो राक्षस बनेंगे। अभी भगवान आया हुआ है, जन्म जन्मांतर के राक्षसी चेहरे और देवताई चेहरे अभी प्रत्यक्ष होने वाले हैं, और शास्त्रों में उनका गायन होगा, पता चलेगा, अभी अभी मालूम पड़ेगा राक्षस राक्षसियां कौन बनने वाले हैं और देवी देवता कौन बनने वाले हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। आत्मा अगर पाठधारी है तो पाठधारी को रंगमंच पर अपने पाठ का ही अगर याद न रहे तो भगवान बाप कहते हैं ऐसा पाठधारी तो बेवकूफ है। आत्मा, ये आत्मा ज्योति बिंदु जो भृगुति के मध्य में विराजमान है, जिसकी रोशनी नाकों से निकल रही है, वो आत्मा पाठधारी शरीर रूपी चोले को छोड़ जाती है, इसलिए आंखें बटन हो जाती है। ऐसी आत्मा में ऐसा ज्ञान का तीसर नित्य प्रज्वलित हो जाए जो उसके 84 जन्मों का भी सारा साक्षात्कार उसे ज्ञान के आधार पर सारी बात 84 जन्मों की बुद्धि में की गई हो जाए। मनुष्य को तो पता ही नहीं है पूर्व जन्म का भी अगले जन्म का भी, भगवान आकर जी बताते हैं, हे अर्जुन तू अपने पूर्व जन्मों को अगले जन्मों को नहीं जानता, मैं आकर के तेरे को बताता हूँ, गीता में बोला है ना, तो जो गीता के वचन है वो तो कागज में लिखे हुए, अभी तो प्रैक्टिकल में भगवान आकर के हमको सिखा रहा है, बता रहा है कि तुम्हारे ऊपर माया का परछाया पड़ा हुआ है, इस परछाए को जब तक हटाएंगे नहीं, मेरी मत पर नहीं चलेंगे तब तक हटेगा भी। 5000 वर्ष की जो बात लिखी हुई है ये महाभारत की बात है,
कि महाभारत आज से 5000 साल पहले हुआ, लेकिन उसको द्वापर युग में ठोक दिया है तो कल्प की आयु आधी रह जाती है। भगवान बाप कहते हैं कि द्वापर युग में महाभारत युद्ध नहीं हुआ, ये महाभारी महाभारत युद्ध न द्वापर में हुआ और न द्वापर में कृष्ण भगवान के रूप में मैं आता हूँ। मैं तो आता हूँ कलयुग के अंत और सत्युग के आदि। अभी है कलयुग का अंत, कलह क्लेश दुनिया में बढ़े पड़े, ऐसे कलह क्लेश की दुनिया जब बन जाती है, जब सब मनुष्य मात्र दुखी हो जाते हैं, तन से भी दुखी, धन से भी दुखी, मन से भी दुखी, मित्र संबंधियों से भी दुखी, संपर्कियों से भी दुखी हो जाते हैं, तब ऐसी दुखी सृष्टि को आकर के नंबरवार सुखी बनाना ये मेरा काम है। और इस काम में जो बच्चे सहयोगी बनते हैं वो नई सृष्टि के मालिक बनते हैं। बाकी 5000 वर्ष का सृष्टि का जो कल्प है, जिसे 4 युगों का मेल कहा जाता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युगों का मेल है कल्प। एक कल्प में 5000 वर्ष होते हैं। ये 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध हुआ था, भगवान आया था, भगवान ने आकर के पांडवों को नई दुनिया करा दिया, उन्होंने तो शास्त्रों में कलयुग दिखा दिया पापी युग। अरे भगवान आकर के पापी युग करा दी थोड़े देगा, भगवान तो आकर के सत्युग करा दी लिखा, सत्युग में लिखते भी है शास्त्रों में कि सत्युग में नारायण करा दी था, कहते भी है कृष्ण नारायण वासुदेव, जो कृष्ण है वही नारायण है वही वासुदेव है, लेकिन फिर भूल जाते हैं, फिर कृष्ण को द्वापर युग में ठोक देते। ऐसा मति भ्रम क्यों पैदा होता है? क्योंकि ये शास्त्र अलग अलग मनुष्यों के लिखे हुए हैं, किसी एक ने नहीं लिखे हैं। जिसने जो आया अपनी मत शास्त्रों में लिखी और संसार में फैलाया, अपना अपना मान मर्तबा लेने के लिए शास्त्र लिखते रहे। भगवान बाप तो सारण वेश में आते हैं, जैसे गीता में लिखा हुआ है, मुझ सारण तन में आए हुए बाप को मूलमति मनुष्य नहीं पहचान पाते। जो भोले वाले बच्चे हैं वो मेरे को पहचान लेते, देखने में भी आता है, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, गांव के लोग भगवान को पहचानते हैं, और शहर के बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मल्टी मिलियनायर्स वो नहीं पहचान पाते, वो पहचान नहीं पाते, पहचानेंगे भी नहीं और कभी पहचाना भी नहीं था। बाप कहते मैं तो गरीब निवासी हूँ, मैं गरीबों को पकड़ता हूँ, गरीबों को आकर के साहूकार बनाता हूँ। बाकी 5000 वर्ष की बात नहीं है कि 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध हुआ था, नहीं, 5000 वर्ष पहले जो महाभारत युद्ध हुआ था वो किसी समय की बात, कलयुग के अंत की बात है। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले लॉर्ड कृष्ण का राज्य था, क्राइस्ट को 2000 साल हो गए, और क्राइस्ट से पहले 3000 साल तो कितने साल हुए, 5000 साल हुए। तो इससे साबित होता है कि पहले जन्म का जो राज्य है, पहली चहली जो दुनिया तैयार हुई थी, नई दुनिया, वो 5000 साल पहले तैयार हुई। सिंध, हैदराबाद, सिंध, हड़प्पा, मेसोपोटामिया, ये विदेशों में भी जो खुदाइयां हुई हैं, उन खुदाइयों की मिली हुई चीजों से भी ये साबित होता है कि 5000 वर्ष का ये कल्प है, लाखों वर्ष की दुनिया नहीं है। 5000 वर्ष की दुनिया होगी तो उसका हिसाब बताया जा सकता है,
कि सतयुग में हमने कैसे कैसे कितने कितने जन्म लिए, त्रेता में कितने जन्म लिए, द्वापर में कितने जन्म लिए, कलयुग में कितने जन्म, चौरासी का पूरा चक्कर बताया जा सकता है। अगर लाखों वर्ष का कल्प बता दिया जाए, ये सारा सृष्टि चक्र लाखों वर्ष का बता दिया जाए तो फिर कोई हिसाब ही नहीं दिया। इसलिए वो विद्वान पंडित आचार्य भी बड़े चालाक होते हैं, उन्होंने 1250 वर्ष का जो युग था उसको देवताओं के पूर्ण मिला करके उसे गुणा करके लंबा लंबा कर दिया ताकि कोई पूछे ही नहीं। लाखों वर्ष की दुनिया का चक्र होगा तो कोई कोई पूछे, छोटा चक्र है। भगवान बाप आकर के बताते हैं कि तुमने सतयुग में बहुत थोड़े जन्म लिए, हर युग की आयु 1250 वर्ष होती है। ऐसे नहीं कि छोटे बड़े युग होते हैं, सतयुग में 1250 वर्ष में तुमने 8 जन्म लिए क्योंकि तुम्हारी आयु लंबी होती थी, शरीर बहुत स्वस्थ होते थे, कंचन जैसी काया होती थी। और त्रेता में तुमने 12 जन्म लिए क्योंकि वहां 2 कलाएं कम हो जाती है, राम की 14 कलाएं गाई जाती है। जब द्वापर शुरू होता है तो द्वैत बात शुरू हो जाता है, दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आते हैं, दूसरे दूसरे धर्म पैदा कर देते हैं, अधर्म और धर्म दोनों मिक्स हो जाते हैं, अनेक राज्य पैदा हो जाते हैं, अनेक मतमतांतर, अनेक भाषाएं पैदा हो जाती है। तो द्वापर में मनुष्य थोड़ा दुखी होना शुरू होते हैं, इसलिए वहां 21 जन्म होते हैं। दुख भोगने से मनुष्य की आयु घट जाती है, सुखी आत्मा ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहती है। कलयुग में आते आते दुगने जन्म हो जाते हैं द्वापर है, भी कलयुग भी 1250 वर्ष का, लेकिन वहां मनुष्यों की आयु औसतन 30-40 वर्ष रहती है, 42 जन्म होते हैं। सतयुग में 8, त्रेता में 12, द्वापर में 21 और कलयुग में 42 जन्म, और एक जन्म ये संभव युग, कुल टोटल मिलाकर के 84 जन्म ज्यादा से ज्यादा मनुष्यों के होते हैं। उन्होंने 84 लाख योनियों में जोड़ दिया, 84 लाख योनियां तो होती है लेकिन मनुष्य का जन्म मनुष्य योनि में होता है। ये नहीं कि मनुष्य शरीर छोड़ेगा तो कोई पशु पक्षी बन जाएगा, कीड़ा मकोड़ा बन जाएगा, नहीं, मनुष्य मनुष्य का ही जन्म लेता है। आम का बीज होगा तो आम का ही दर्द पैदा होगा, बबूल का बीज होगा तो बबूल का ही दर्द पैदा होगा। ये आत्मा भी एक प्रकार का बीज है, चैतन्य बीज है, सितारे निकल आत्मा है। एक शरीर छोड़ती है तो दूसरे गर्भ में जाकर के प्रवेश होती है, मनुष्य गर्भ में ही प्रवेश करेगी। पाप कर्म भोगने के लिए भी मनुष्यों में जाना पड़ता है, ऐसे नहीं पशु पक्षी बनना पड़े तभी दुख भोग सकता है। क्या मनुष्यों में दुख नहीं होते? मनुष्यों को तो ज्यादा इंद्रियां होती है इसलिए ज्यादा दुख भोगते हैं, जिन जानवरों को कम इंद्रियां होती है तो कम इंद्रियों से कम दुख भोगेंगे। दुख और सुख भोगना ये शरीर के द्वारा होता है, शरीर है तो सुख भोगा जाता है, शरीर है तो दुख भोगा जाता है। भगवान बाप आकर के अभी प्रैक्टिस कराते हैं, क्या प्रैक्टिस कराते हैं कि मन को तुम ऐसा एकाग्र करो जो तुम सुख भोगो, शांति भोगो लेकिन दुख न भोगो। इसलिए बाप कहते हैं कि तुमको दुख देना नहीं है और दुख लेना भी नहीं, ये पक्का कर देना। कोई हमें दुखी करता है, दुखी करने की बात बोलता है, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। कोई मारपीट करने के लिए आमादा हो जाता है, बांधो, अरे कृष्ण भगवान भी भागते फिरे थे कंस के डर से, शंकर भगवान थे वो भी भस्मासुर के डर से सारी दुनिया में भागे भागे फिरे, राम भगवान थे
जंगल में रहे जाकर के, तो हम कौन बहुत बड़े आदमी है, हम अपनी वीरता दिखाने के लिए ऐसे आड़े क्यों रहे जो हमको हिंसा करनी पड़े। अहिंसा परमो धर्म है कहा जाता है, सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा। और ये क्षेत्र जो है ये तो महात्मा बुद्ध की धरणी है। महात्मा बुद्ध ने तो नारा ही दिया था क्या, अहिंसा परमो धर्म, कोई पर वाचा से भी हिंसा नहीं करनी। मारपीट करके हिंसा करना वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। मन के संकल्पों से भी किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना। कोई कहे ये हमारे प्रति इतना बुरा सोचता है, इतना बुरा करता है और हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। कर्मों की दुर्य गति है, हमने किसी को दुख दिया होगा तो वो हमको इस जन्म में दुख देगा, हमने किसी को बुरा भला कहा होगा तो वो हमको बुरा भला कहेगा। ये नियम है कि हम जिस आत्माओं को जितना इस जन्म में सुख देंगे वो रिटर्न में हमको सुख देगा, देना ही पड़े। किसी आत्मा को या कोई भी आत्माओं को हम जितना स्नेह प्यार देंगे वो स्नेह प्यार हमें देना ही पड़ेगा, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों हो। इसलिए हमारा काम है दूसरों को सुख देना, शांति देना। दूसरा कोई क्या करता है ये देखने की चीज नहीं, भगवान बाप ये नहीं सिखाते। हमारी आत्मा का सुधार चाहते, आत्मा सुधरेगी तो जग सुधरेगा। हम खुद बिगड़ते हैं तो वाइब्रेशन खराब होता है, उस वाइब्रेशन में जो भी आते हैं सब बिगड़ते हैं, जानवर भी बिगड़ते हैं। जानवरों की आत्मा तो कोई पुरुषार्थ नहीं करती, पशु पक्षी है, कीड़े पतंगे हैं, ये भी शत्रु प्रधान दुनिया में सात्विक होते हैं, तामसी नहीं होते हैं जीव जंतु। जो शत्रु प्रधान योनियां होंगी वो होंगी, तम प्रधान योनियां कलयुग में होती है। तो अब नई दुनिया आने वाली है, उस नई दुनिया में जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं मनुष्य शक्ति की चुनी हुई आत्माएं वो ही बनेंगी। उन आत्माओं के लिए 9 लाख की संख्या लुटी हुई, कहते हैं आसमान में 9 लाख सितारे हैं, वो तो जड़ सितारे हैं। और ये आत्मा रूपी 9 लाख चैतन्य सितारे हैं जो भगवान बाप के आने पर इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हैं कि जब दुनिया में विनाश होता है तो सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में हाय हाय करती है और वो 9 लाख सितारे ज्ञान की चमक मारते हैं सारी दुनिया। कितनी ऊंची नजर से देखे जाते हैं ऐसे 9 लाख सितारे जो ऊंची स्टेज में चमकेंगे, नंबर वार सितारे हैं। उनमें कोई सितारे ऐसे हैं जिनके अंदर अपनी चमक है, कोई ऐसे है जो दूसरे से चमक लेकर के सिर्फ दूसरों को चमक मारते हैं। जैसे आसमान में सितारे होते हैं, कोई खुद ही चमकते हैं टिमटिमाते हैं, कोई खड़े रहते हैं, तो जो टिमटिमाते हैं उनमें अपनी चमक है। जैसे सूर्य है तो सूर्य में अपनी रोशनी है, और चंद्रमा, चंद्रमा में अपनी रोशनी नहीं है, सूर्य की रोशनी जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा चमकता है। ऐसे और भी सितारों की बात, तो बनना क्या है, चंद्रमा जैसा बनना है या सूर्य जैसा सितारा बनना है? सूर्य जैसा बनना है। तो दुनिया में शास्त्रों में ये कथाएं आ गई है, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। जो सूर्य जैसा पार्ट बजाते हैं, सूर्य को फॉलो करते हैं वो सूर्यवंशी है। गीता में भी लिखा हुआ है, मैं जब शक्ति पर आता हूँ तो पहले पहले सूर्य को ज्ञान देता हूँ, क्या चंद्रमा को नहीं देता, इस्लाम वंशियों को नहीं देता, बौद्ध वंशियों को नहीं देता, क्रिश्चियन वंशियों को पहले ज्ञान नहीं देता, किसको देता हूँ ज्ञान, सूर्य को ज्ञान देता हूँ। वो तो जड़ सूर्य,
इस धरती के सितारों में से कोई आत्मा है राम वाली आत्मा जो ज्ञान सूर्य का पाठ बजाती है, उस मुकर्रर रस में प्रवेश करके परमात्मा हम बच्चों को अनेक जन्मों की हुई गति सुनाता है। अब ये हुई गति जब सुनाता है और पढ़ाई जो पढ़ते हैं रेगुलर पढ़ाई पढ़ते हैं पंक्चुअल होकर के पढ़ते हैं तो जरूर ऊंचे नंबर में पास होंगे। ऊंचे नंबर में पास होंगे तो बड़े से बड़े राज्याधिकारी बनेंगे। चित्रों में राम के आगे शिव दिखा देंगे, मंदिरों में जो पुराने पुराने मंदिर हैं, उनमें शिव के आगे मुख्य स्थान पर शंकर को दिखाते हैं और आजू बाजू चारों तरफ छोटे बड़े सभी देवताएं दिखाते हैं। इससे क्या साबित होता है कि शिव शंकर में या राम में प्रवेश करता है। शिव को अपना शरीर नहीं है, वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। वो भी अगर जन्म मरण के चक्र में आने लगे तो हम आत्माओं को इस दुनिया से दुख की दुनिया से छुड़ाने वाला कोई नहीं है। इसलिए वो एक आत्मा ऐसी है तुरिया जो जन्म मरण के चक्र से न्यारी। वो सृष्टि पर जब आती है तो गर्भ से जन्म नहीं लेती, क्योंकि उसका पूर्व जन्म का कोई अपना हिसाब किताब ही नहीं है। उसका हिसाब किताब हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वो अजन्मय है, देह का बंधन उसको लग नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वो कर्मों की बुह्य गति को 100% जानने वाले, 100% जो जानने वाला होगा उससे कोई कर्म कभी ऐसा होगा ही नहीं जो दुख सुख पैदा करे। न वो इस शक्ति पर सुखी होता है न दुखी होता है, सुख दुख से परे है वो, सिर्फ है मनुष्य आत्माओं में प्रवेश करते हैं। कितनी आत्माएं हैं जिनमें प्रवेश करता है? रुद्रमाला यादगार बनी हुई है। रुद्रमाला में रुद्राक्ष के मणके होते हैं, रुद्र अक्ष, अक्ष माने आंख कहो मुख कहो, वो रुद्राक्ष के मणकों में मुख बने होते हैं, वो मुख लेने की यादगार है। कोई में एक मुख होता है, कोई में दो, कोई में चार, कोई में आठ, कोई में दस, कोई में 15। ये अनेक मुखों वाले जो रुद्राक्ष हैं उनमें अनेक आत्माएं प्रवेश करती है और शिव भी प्रवेश करता है। पता नहीं चलता कि शिव ने कब प्रवेश करके कार्य किया और दूसरी आत्माओं ने प्रवेश करके कब कार्य कर दिया। जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है। तो 108 आत्माएं ऐसी हैं जो रुद्रमाला के मणके बनते हैं, वही मणके बनते हैं जिनमें वो शिव प्रवेश करता है। प्रवेश करके सारा ज्ञान का राग उन आत्माओं की बुद्धि में क्लियर करता है। लेकिन सब में एक जैसी प्रवेशता नहीं होती। जो जितना अच्छा पढ़ाई पढ़ने वाला बच्चा होगा, एक ही मत पर चलने वाला बच्चा होगा, उसमें शिव की प्रवेशता जाती होगी, और जो अनेकों की मत पर चलने वाला होगा उसमें धीरे धीरे प्रवेशता औरों के मुकाबले कम होगी। है वो 108 आत्माएं शेष जाते हैं। सारी मनुष्य शक्ति में जो भी धर्म फैले हुए हैं उन सात धर्मों में से चुनी हुई शेष श्रेष्ठ आत्माएं सर्वम युग में आकर के परमात्मा के दरबार में इकट्ठी होती है। अब वो अनेक अलग अलग धर्मों से आई हुई आत्माएं हैं तो एक जैसा पुरुषार्थ नहीं कर सकती। सबको पता है कि हिंदू ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहे, हिंदू ही कन्वर्ट होकर के इस्लाम धर्म में गए, हिंदू ही कन्वर्ट होकर के मुसलमान धर्म में गए, हिंदू ही कन्वर्ट होकर के बौद्ध ही बने महात्मा बुद्ध के आने पर, हिंदू ही कन्वर्ट होकर के सन्यासी बने, हिंदू ही कन्वर्ट हुए तो सिख बने। जो हिंदू है जो पहले देवता थे वो ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते,
इसलिए मुसलमान कहते हैं ये तो काफिर है, हिंदू कहते हैं काफिर, कहां कहां फिरते रहते हैं, इनका कोई धर्म ही मानी नहीं है। अब भगवान बाप आकर के बताते हैं, बच्चे तुम अपने धर्म को भूल गए, कर्म को भूल गए, अपने धर्म पिता को भूल गए। वो दूसरे दूसरे जो धर्म है, वो धर्म वाले जानते हैं कि हमारा धर्म पिता कौन है, क्रिश्चियन जानते हैं हमारा धर्म पिता क्राइस्ट है, बौद्ध भी जानते हैं हमारा धर्म पिता बुद्ध है, सब अपने अपने धर्म पिता को जानते हैं, अपने धर्म के बारे में जानते हैं, पूरी हिस्ट्री उनको पता है। तुम बच्चे बिल्कुल भूल गए, क्यों भूल गए, क्योंकि तुम पुराने थे, पुराने जो चीज जितनी जाति पुरानी हो जाती है उतनी तामसी हो जाती है। इस शक्ति में तुम्हारा धर्म सबसे ज्यादा पुराना है, इसलिए तुम अगर पूरी पढ़ाई पढ़ेंगे तो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के बन सकते हो, ऐसे पक्के बन सकते हो कि 5000 वर्ष के शक्ति चक्र में तुम कावे निधर्मियों के चक्कर में आकर के दूसरे धर्म में नहीं गिरेंगे। जो कहते हैं पर धर्मो भयावह स्वधर्मे निधर्म से, अपने धर्म में मर जाना अच्छा, दूसरे धर्म का स्वीकार करना ये बहुत खराब बात है, बहुत दुख भोगने वाली बात है। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हैं उनको दास दासी बना करके रखते हैं। भगवान बाप कहते हैं तुम कोई दास दासी थोड़े ही बनने वाली बच्चे हो, मैं तो तुम्हें राजा बेटा बनाने के लिए आता हूँ, जन्म जन्मांतर की राजा ही आकर के सौंपता हूँ, राज घराने में तुमको जन्म लेना चाहिए। लेकिन कब, जब ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ेंगे तब, जब ईश्वर को पहचानेंगे तब। ईश्वर को पहचानना, ईश्वर को जानना और उसकी मत पर चलना, उसके मत के अनुकूल कर्म करना, ये सब के बस की बात नहीं है। सब बनी बनाई है। पिछले 63 जन्मों में जिन आत्माओं ने राम कृष्ण जैसी श्रेष्ठ आत्माओं का अनेक जन्म संग किया है, वो ही आत्माएं अनेक जन्मों का संग का रंग का संस्कार होने के कारण संग युग में आकर के परमात्मा बाप की मत पर चलती है। लेकिन किसी को पता नहीं है कि कौन संगी साथी रहा कौन नहीं रहा। हाँ, जब पढ़ाई पढ़ते हैं और उसका रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि ये आत्माएं इतनी श्रेष्ठ संग वाली है। संग तारे कुसंग बोले, श्रेष्ठ का संग करना चाहिए, दुष्ट का संग नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इस सृष्टि पर अभी संग युग में है परमात्मा पाठधारी, जिसे कहते हैं परम पिता परमात्मा। लेकिन वो परम पिता तो ज्योति बिंदु है, उस ज्योति बिंदु का बड़ा आकार शिवलिंग मंदिरों में दिखाया गया है, ज्योतिर्लिंगम भी कहते हैं। वो लिंग इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ता, जैसे हम ज्योति बिंदु आत्मा है, अति सूक्ष्म में है, आत्मा को निकलते हुए इस शरीर से जब आत्मा निकलती है तो देख ही नहीं जाती, इतनी सूक्ष्म आत्मा है। जैसे डॉक्टर लोग खून निकालते हैं एक बूंद और उस खून में देखते हैं कि इसमें मलेरिया के कीटाणु भरे पड़े, तो हम इन आंखों से देख सकते हैं उन कीटाणुओं को, नहीं देख सके। तो जो कीटाणु इतने सूक्ष्म नहीं है जितनी आत्मा है, तो आत्मा तो इन आंखों से नहीं देखी जा सकती। आत्मा को इन आंखों से नहीं देख सकते तो आत्मा को आप परमात्मा सुप्रीम सोल परम पिता उसको कैसे देखेंगे। उसके लिए तो तीसरा नेत्र चाहिए, तीसरा नेत्र जिसको होगा वो ही तीसरा नेत्र दे सकेगा। तीसरा नेत्र है ज्ञान का नेत्र, इसलिए शंकर जी को तीन नेत्र दिखाए जाते हैं, देवियों को भी तीन नेत्र दिखाए जाते हैं। जरूर है, जब जब शक्ति पर आता है
तो कोई कन्याएं माताएं उसकी सहयोगिनी बनती है और वो तीसरा नेत्र प्राप्त करती है। शंकर के मस्तक पर जो नेत्र दिखाया जाता है वो खड़ा हुआ नेत्र है, माना वो एक ऐसा पाठधारी है जो पुरुषार्थ में कभी गिरता नहीं, खड़ा हुआ रहता है। जैसे त्रिमूर्ति में विष्णु को खड़ा हुआ दिखाया और शंकर को और ब्रह्मा को बैठा हुआ दिखाया, ये भी पुरुषार्थ की बातें हैं। पुरुषार्थ में कोई सोया रहता है, कोई उठ के बैठ जाता है, कोई चलने लग पड़ता है, कोई पुरुषार्थ में दौड़ लगाता है, कोई पुरुषार्थ में दौड़ने लग पड़ता है, नहीं उड़ने लग पड़ता है। तो कौन सी स्टेज में रहना चाहिए पुरुषार्थ? सबसे अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? उड़ते रहना। जो जितनी ऊंची पुरुषार्थ की उड़ान भरता है तो उसे ये दुनिया के लोग छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं। इस दुनिया में उसकी बुद्धि ना लगेगी, क्यों? क्योंकि ऊंची स्टेज का नशा रहता है, छोटी छोटी बातों को इधर उधर करता जाएगा, छोटी छोटी बातों में इधर उधर उलझेगा नहीं, परेशान नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, दुखी करेगा नहीं। जैसे गीता में भी लिखा हुआ है, जो भगवान के मानने वाली जानने वाली आत्मनिष्ठा आत्मा होती है वो किसी को दुख भी नहीं देती और खुद दुखी होती भी नहीं, किसी प्रकार का उद्वेग पैदा नहीं करती, खुद भी उत्तेजित नहीं होती और दूसरों को भी उत्तेजना पैदा नहीं करती, ऐसी आत्मा को कहेंगे परमात्मा बाप का बच्चा। अभी बाप आए हैं, ये आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं, कहते हैं बच्चे तुम देह आत्मा देह नहीं हो। किसी दिन पूछो तुम कौन हो तो कहेगा हम डॉक्टर हैं, हम मिनिस्टर हैं, हम आदमी हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं। अरे हर जन्म में स्त्री पुरुष होते हो क्या? हर जन्म में डॉक्टर ही थे क्या? हर जन्म में मिनिस्टर थे ही क्या? नहीं, क्या है फिर? बाप बताते हैं जो कि तू आत्मा हो, आत्मा ही थे, आत्मा ही हो और आत्मा ही रहोगे। ये सितारा आत्मा कभी मरती नहीं है, नष्ट नहीं होती है। हाँ, ये अच्छा पुरुषार्थ करती है तो देवता बन जाती है, मनुष्य से देवता बना जा सकता है, और खराब पुरुषार्थ करती है तो राक्षस बन जाती है। तो तीन कोटि हुई, मनुष्य से ऊपर उठा तो देवता बन गया, मनुष्य से नीचे गिरा, मनुष्य से नीचे गिरा तो राक्षस बन गया। कलयुग में होते हैं सब राक्षस और सतयुग में होते हैं सब देवता। ये परिवर्तन कौन करता है? ये परिवर्तन कराने वाला एक बाप है, सब पतितों को पावन बनाने वाला बाप एक बाप हो और उसका शक्ति में इतना गाय है। ऐसे नहीं कि हिंदू लोग ही भगवान को मानते हैं, चाहे क्रिश्चियन धर्म के हो, मुस्लिम धर्म के हो, बौद्ध धर्म के हो, भगवान को किसी न किसी रूप में सब मानते हैं। लेकिन असली रूप क्या है वो कोई को पता नहीं। असली रूप तब पता चलता है जब वो आकर के खुद ज्ञान देता है। इसलिए रामायण में लिखा हुआ है जे ही जान होते ही दे जन आई और जान तुम्हें हुई जाई। वो जानता है कि किस आत्मा को पहले उठाना है और ये आत्मा उठ सकती है और किन आत्माओं को बाद में उठाना है। बाद में उठेंगे तो ये सही चाल करेंगे। ऐसे भी होता है ज्ञान में कोई कोई पहले आ जाते हैं, आ तो जाते हैं पहले, लेकिन बाप को पहचान न होने के कारण, पूरा पहचानने के न कारण वो उल्टी चाल चलते हैं, परमात्मा बाप का विरोध करने लग पड़ते हैं। ऐसी विरोधी आत्माएं वो पर ज्ञान में से टूट पड़ती है, विपरीत बुद्धि हो जाती है। इसलिए गीता में लिखा है विपरीत बुद्धि विनश्यते, प्रीति बुद्धि विजयते,
जो भगवान बाप को पहचानते हैं वो प्रीति बुद्धि बन करके विजय प्राप्त कर लेते हैं। प्रीति बुद्धि बनेंगे तो तन मन धन धाम सुहद परिवार सब परमात्मा बाप को सौंप देते हैं। सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। लेकिन कोई कोई ऐसे भी बुद्धू होते हैं परमात्मा बाप को पहचानने की बजाय आत्मा आत्मा भाइयों भाइयों को परमात्मा समझ बैठे। तो भाई को बाप बना दिया तो पूरी प्राप्ति तो हो नहीं सकती, अधूरी प्राप्ति करके रह जाते। अभी बाप कहते अच्छी तरह से ज्ञान की बातों पर गहराई से मनन चिंतन मंथन करो। अभी से एक जन्म में अगर परमात्मा बाप से प्राप्ति कर ली तो 84 जन्म तक काम आती रहेगी। 84 जन्मों में सुखी शांत और प्रसन्न चित्त आत्मा बने रहेगी। भगवान बाप कहते मेरे ऐसे भी बच्चे हैं जो 82-83 जन्म तक भी सुख में रहते हैं, लास्ट में तो हर आत्मा को नीचे गिरना ही है। क्यों? क्योंकि जब तक रात नहीं होगी तो दिन का कोई महत्व नहीं होगा। तो रात भी चाहिए, दिन भी चाहिए। तो हर आत्मा के जीवन में अज्ञान अंधेरी रात भी आती है और भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो सवेरा ही। ओम ऐसे तो इस ज्ञान में ये वरदान है कि जो भी इस ज्ञान में चलेगा उसका पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। पूरा परिवार जब ज्ञान में चलेगा तो उसमें पति न चले पत्नी न चले ऐसा हो ही नहीं सकता। आज नहीं तो कल चलेगा जरूर। और फिर गांव बना तो भाई विष्णुपुर, विष्णुपुर आया जाता है पति पिता पत्नी दोनों मिलकर के इकट्ठे पुरुषार्थ करें और पुरुषार्थ में पास हो जाए, दोनों का संस्कार मिल जाए, संस्कार कभी टकराए नहीं, उसको कहा जाता है विष्णु फरिश्ता का सैंपल।